Guys, welcome back to my channel. If you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel. So guys, I'm gonna tell you today one easy scrub. हाँ, मैं आपको एक easy scrub बताने वाली हूँ जिससे आपके बहुत सारे problems दूर हो जाएंगे. So guys, हमें हर week में एक बार scrub जरूर करना चाहिए. आप कोई भी scrub use कर सकते हो. Home remedies best होते हैं जो आप use करो तो. So guys, ये जो scrub मैं बताने वाली हूँ, मैं home remedies ही उसमें use करने वाली हूँ. So guys, हमें sun tan की वजह से, pollution की वजह से और हर week के stress की वजह से हमारे फेस में बहुत ज़्यादा डल हो जाता है. हमारे फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, उसकी वजह से हमारे फेस में बहुत ज्यादा डेड सेल्स हो जाते हैं, जो रिमूव करने के लिए मैं इजी हैक लेके आई हूं, जिससे आपके फेस में जो डेड सेल्स हो जाते हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे, हमारी स्किन उसके साथ ग्लो भी करेगी. आप सबको पता है हमें हर वीक में एक बार स्क्रब जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे फेस में ग्लो रहेगा. हर वीक में ग्लो रहना जरूरी है, तो अच्छे भी हम दिखेंगे, हमारे फेस में ग्लो रहेगा, हम अट्रैक्टिव भी रहेंगे बहुत ज्यादा. सो गाइस, देखते हैं ये स्क्रब कैसे बनाते हैं, बहुत ज्यादा इजी सिंपल एंड होम रेमेडी से यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गाइस, फर्स्ट हमें ये लेना है, फिर उसके बाद हमें ऐड करना है शुगर. हमें शुगर को थोड़ा क्रश कर लेना है, फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड फिर हमें ऐड करना है हनी. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डाबर का हनी. इस गाइस, जो मैं स्क्रब बताती हूँ आप अपने लिप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके लिप्स के डेड सेल्स होते हैं ना, वो सब भी रिमूव हो जाएंगे. तो आप ये यूज़ कीजिए, बहुत ईजी है. तो आप देख सकते हैं मैंने बना लिया है, मेरा स्क्रब रेडी है. ये बहुत इजी है, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. सो गाइस, हनी ना हमारे फेस में, जो हमारे फेस में ड्राई होता है, जैसे हम लोग मतलब फेस वॉश, अगर बहुत लोग फेस वॉश नहीं यूज़ करते, बोले सोप यूज़ करते हैं अपने फेस में, जब वो सोप यूज़ करके आते हैं अपने फेस में ना, फिर उनके फेस में पूरे वाइट वाइट पैचेस जैसे दिखते हैं. तो आप हनी अपने फेस में यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा. ड्राई स्किन के तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है हनी. तो अगर मैं ये भी लगा रही हूँ, फिर इसके बाद जब मैं अपने फेस वॉश करूँगी तो मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हनी इतना मॉइस्चराइज करता है, बहुत अमीर है मॉइस्चराइज करने में रच हनी. So let's apply. So you can see my scrub is ready. तो हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. हमें स्लोली स्लोली करना है, ज्यादा तेज से रब नहीं करना है, क्योंकि शुगर थोड़ा क्रश है तो हमें पेन होगा. देख सकते हो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, फिर मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है.